हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब की दुकान। तो आज की वीडियो होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे इस महादेव के टेंपल के बारे में। तो कुछ इंस्टाग्राम पे मुझे रील मिली है, वो देख लेते हैं। पहले इस वाले रील पे 4.6 मिलियन व्यू है। महादेव जी कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा। तुम्हें जो चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो, सब सही होगा। बाकी दूसरे क्रिएटर की भी बहुत सारी रील्स है, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। और अब मज़ेदार बात, ये मेरी रील है, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस रील पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि ये जगह एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको इजी रहे, यहाँ पे अगर आपको आना है दर्शन के लिए तो आप इजीली पहुँच सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जगह लोकेटेड है गुजरात के एक छोटे से कोस्टल टाउन में, जिसका नाम है चोरवाड़, जो मेरा होम टाउन है। आपने शायद से इस टाउन का नाम सुना ही होगा। ये जगह सोमनाथ से अराउंड 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जगह पे कैसे पहुंचा जाए। गाइस, इस पिक्चर परफेक्ट जगह पे जाने के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा चोरवाड़, जो है मेरा होम टाउन। और यहाँ पे आने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आप सोमनाथ से आने का प्लान कर रहे हो तो सोमनाथ से आपको आराम से गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी। और बाकी आप जूनागढ़ से आ रहे हो तो वहाँ से भी आपको ईजीली बस मिल जाएगी। बाकी ट्रेन से भी आप आ सकते हो। और स्टेशन का नाम है चोरवाड़ रोड, जो चोरवाड़ टाउन से अराउंड 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से आपको इजीली लोकल रिक्शा मिल जाएगी, तो 10 रुपये में उस स्टेशन से आप पहुँच सकते हो चोरवाड़ टाउन में। और जो कोई अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहता है, उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है GPS कोऑर्डिनेट की। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ही नेविगेट कर सकते हो इस जगह के लिए। और दूसरी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। लो जी, तो हम एंटर हो गए मेरे टाउन में। तो जैसे ही आप टाउन में एंटर करोगे, पहला आपको दिखेगा धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन मेमोरियल हाउस। तो ये है धीरूभाई का पुराना घर, एक बार उस तरफ से दिखा देता हूँ आपको। और पहले ये उनका घर था जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे, और अभी इस घर को बना दिया है मेमोरियल हाउस। तो अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो यहाँ पे भी आ सकते हो और मेमोरियल हाउस देख सकते हो। बाकी कमेंट में आप लोग बताओ किन किन लोगों को पता था इस चीज़ के बारे में कि धीरूभाई अंबानी का बॉर्न चोरवाड़ विलेज में हुआ था। तो लो, पहुँच गए हम धीरूभाई हीराचंद अंबानी प्रवेश द्वार। तो ये है ऑल बस स्टॉप। अगर बस से आ रहे हो तो यहाँ पे आप उतर जाइए और यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी आपको। और ऑन द वे आपको दो और मंदिर मिलेंगे। एक है सती माता जी का मंदिर जो मेरे लेफ्ट साइड है, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। और हाँ, एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मैं अपने विलेज का एक पूरा टूर दूँगा। और मैं जो सेकेंड टेम्पल की बात कर रहा था वो है माँ भवानी का टेम्पल, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। लो जी, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे ये जो गेट दिख रहा है उसके अंदर, तो आप पहुँच जाओगे बीच पे। लेकिन अभी हम बीच पे नहीं जाएंगे, रिटर्न में आपको लेके जाएंगे बीच पे। और ये राइट ले लोगे तो आप पहुँच जाओगे महादेव के टेम्पल पे। और हाँ, यहाँ पे जाने का रास्ता भी उतना ही सीनिक है जितना सीनिक महादेव का टेम्पल है। आई थिंक आपको फर्स्ट व्यू दिख गया होगा टेम्पल का। और ये देखिए ये रास्ता। और हाँ, यहाँ पे वीकेंड पे थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। वीकडे में आप आओगे तो बिल्कुल पब्लिक रहेगा ही नहीं। जैसे कि मैं अभी संडे को सुबह सुबह आया हूँ तो बस 3 ही बाइक है, और जैसे ही शाम होती जाएगी वैसे वैसे पब्लिक भी बढ़ती जाएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं महादेव जी के टेंपल पे।
होप कि आपने अच्छे से महादेव के दर्शन कर लिए होंगे। और टेंपल के जस्ट पीछे ये है अरेबियन सी। अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो अराउंड 10,000 किलोमीटर तक कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर आप यहाँ से सीधी लाइन खींचोगे तो आप सीधा 10,000 किलोमीटर के बाद पहुँच जाओगे साउथ पोल पे। ये सेम चीज़ लिखी हुई है सोमनाथ में भी। सो अगर आप सोमनाथ जा रहे हो तो नोटिस कीजिएगा। और दर्शन करने के बाद आप इस जगह पे आके ये व्यू का आनंद ले सकते हो। तो जैसे मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि अगर आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हो तो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं रहती, शाम को ठीक ठाक भीड़ रहती है। और वीकडे में आओ तो बढ़िया पीसफुली आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये मिनी सोमनाथ कैसा लगा। बाकी यहाँ पे आइए, पीसफुली अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ समुंदर में नहाने के लिए ना जाइए। तो महादेव का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा वॉक ले सकते हो बीच पे। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नहाने का प्रयास ना करें भाई। इन पास्ट बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, तो जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है, एक तो कचरा ना करे यहाँ पे आके बीच पे, अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाए, और हाँ, समुंदर से थोड़ा दूर रहे। और हाँ, आप यहाँ से भी वॉक करते हुए उस वाले बीच पे भी जा सकते हो, वो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस बीच है। चलो वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं साथ ही साथ। तो ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस बीच, हॉलीडे कैंप। पास्ट में आज जितना फेमस है उससे भी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे हॉलीडे कैंप टू अहमदाबाद का डायरेक्ट बस था। अभी बस उसी बस स्टॉप के ये थोड़े बहुत अवशेष है। ये था बस स्टॉप तब का, और ये सब थे छोटे छोटे हट होटल टाइप के। तो पहले के मुकाबले अभी टूरिज़्म इतना कुछ खास, मतलब इतना डेवलप नहीं है, पहले इतना ज़्यादा डेवलप था। ये देख रहे हो, ये सिंगल सिंगल हट, और जगह जगह पे वार्निंग बोर्ड लगाए हुए हैं कि समुंदर में कृपया आप नहीं जाइए। और सामने है वो है स्विमिंग पूल, हाँ तब यूज़ होता था 90s में। देख ही पा रहे होगे कि ये एरिया है पूरा पत्थरों वाला, रॉकी शोर है। तो यहाँ पे गए तो भाई जान से हाथ धो बैठोगे। और ये जो जोन है इतना ज़्यादा डेंजर है कि यहाँ पे लोकल फिशरमैन भी आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, इस तरफ है फिशिंग हार्बर। अगर आप आगे थोड़ा सा चल के जाओगे तो पहुँच जाओगे फिशिंग हार्बर की तरफ। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आउट जाओ।